नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, टॉप 30 हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 की ली बढ़त। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल कल पहुंचेंगे भारत। महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसा हालत बन सकते हैं, शरद पवार। दिल्ली के चांदनी चौक में खाली पड़ी इमारत की दीवार गिरी, कोई हताहत नहीं। दिल्ली कोचिंग हादसा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को भेजा नोटिस। राजेंद्र नगर बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू। दिल्ली के राजेंद्र नगर में ABVP ने निकाला कैंडल मार्च। राजेंद्र हादसे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मुआवजा देने की मांग की गई। योगी सरकार ने हमीरपुर रिश्वत मामले में 2 अधिकारियों को किया निलंबित। बिहार के ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए ने CUET UG का नतीजा किया घोषित। पीएम मोदी ने मनु भाकर से बात कर दी बधाई, पेरिस ओलंपिक में शूटर ने जीता मेडल। महिला एशिया कप फाइनल, श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर खिताब पर किया कब्जा। भारत महिला तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से 0-6 से हारी, पदक की दौड़ से हुई बाहर। पेरिस ओलंपिक की भारतीय महिला टीम का नीदरलैंड के खिलाफ शूटिंग क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जारी। दिल्ली सरकार ने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुई घटना पर सख्त कार्रवाई के लिए दिया आदेश। पेरिस ओलंपिक, मनिका बात्रा ने राउंड अब 64 में इंग्लैंड के अन्ना हसरी को हराया। पेरिस ओलंपिक मुक्केबाज निखत जरीन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। राजेंद्र नगर हादसा, दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के घर के बाहर ABVP का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने मनु भाकर को ओलंपिक मेडल जीतने पर दी बधाई, बोले यह एक अविस्मरणीय उपलब्धि। मनु भाकर को ओलंपिक जीतने पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई। समाजवादी पार्टी में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी PDA के लिए कोई जगह नहीं, मायावती। यूपी विधानसभा में जोर हंगामे के आसार, बाढ़, सूखा और बिजली कटौती का मुद्दा उठाए जाएंगे विपक्ष। भोपाल कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ वकील का निधन, 6 बार रहे विधायक। IAS कोचिंग हादसा, दिल्ली पुलिस MCD अधिकारियों से करेगी पूछताछ। आज से शुरू होगी यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र, 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। पेरिस ओलंपिक हॉकी में आज भारत और अर्जेंटीना के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली की INA मार्केट के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लगी आग, कई लोग घायल। IAS कोचिंग सेंटर हादसा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को जारी किया समन। दिल्ली शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिलहाल टॉप 30 हेडलाइंस में इतना ही, पर तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहे महाराष्ट्र TV24। नमस्कार।